आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के जिला मुख्यालय सिवनी में लगभग 5 दशकों से ज़्यादा समय से संचालित है पॉलिटेक्निक महाविद्यालय। देखा जाए तो आयरन लेडी के नाम से मशहूर सुश्री विमला वर्मा की देन है। यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज में हम आपको दिखा रहे हैं किस कदर गंदगी से लवरेज है यहाँ का खेल का मैदान। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। पॉलिटेक्निक महाविद्यालय का ये खेल का मैदान हम आपको दिखा रहे हैं और इस खेल के मैदान में लोगों का कहना है कि यहाँ गाजर घास, आवारा मवेशी और शराब की बोतलों की खेती संभवतः पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रबंधन कर रहा है। देखिए, सुबह सवेरे अगर आप जाएंगे तो ये शराब की एक बोतल आपको दिखाई दे रही होगी, इसके साथ में ये 3 बोतल और पड़ी जो इस बात की चुगली कर रही हैं कि यहाँ पर मैजदे बेखौफ होकर मद्यपान करते हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर के अंदर ही जहाँ ये हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं, इससे बहुत करीब ही कन्या छात्रावास है, प्रचार का निवास है और अन्य स्टाफ भी यहाँ रहता है। ये देखिए, 4 बोतलें यहाँ पर पड़ी हुई आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस तरीके की और बोतलें भी रोजाना ही हम आपको दिखाते आए हैं। इस सब के बाद भी पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रबंधन के कानों में जू नहीं रेंग पा रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ये देखिए, यहाँ पर किस तरह से लोग बैठकर बेखौफ होकर मद्यपान करते हैं, इसकी एक वानगी हम आपको दिखा रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। यहाँ खिलाड़ियों के द्वारा अपनी सुविधा के लिए बेंच लगाई गई हैं ताकि वे सुबह अगर मैच खेलते हैं, वर्जिश करते हैं तो उनके बैठने के लिए उन्होंने व्यवस्थाएं की हुई हैं। और इसके साथ ही ये देखिए, यहाँ पर बहुत सारी खाली प्लेट आपको दिखाई दे रही होंगी। मतदान जब हुआ था, लोकसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ था, तब यहाँ कार्यकर्ताओं के लिए या जो बसेज आई थी, जो वाहन लगे थे, उन वाहन चालकों के लिए जो भोजन दिया गया था, अभी तक सफाई यहाँ पर महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा अभी तक नहीं कराई जा सकी। और ये हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए जो आपको बताया, गाजर घास किस कदर लगी। लोगों का यही कहना है कि गाजर घास की खेती पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रबंधन के द्वारा की जा रही है। गाजर घास के अलावा शराब की बोतलों की खेती भी की जा रही है, ऐसा प्रतीत होता है। ये देखिए, वाहनों के पहियों के निशान इस बात की चुगली कर रहे हैं कि यहाँ वाहन सीखने के लिए सबसे मुफीद स्थान है। आश्चर्य तो इस बात पर होता है कि पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य के घर के सामने ये सब कुछ होता है और वे इस मामले में पूरी तरह मौन ही साधे दिखाई देते हैं। सुबह सवेरे जो लोग यहाँ सैर के लिए आते हैं, उन्हें बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ मैजदे रात को आपस में लड़ाई करते हैं, उसके बाद शराब की कांच की बोतलें फोड़ते हैं जो लोगों के पैरों में चुभती है। सुबह खेलने आते हैं, सद्भाव एक जो खिलाड़ी हैं उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। सद्भाव ग्रुप के द्वारा यहाँ पर सुबह खेला जाता है। ये पॉलिटेक्निक कॉलेज का प्रशासनिक भवन का द्वार, यहाँ पर भी बहुत सारे कर्मचारी रहते हैं। और ये देखिए, एक शराब की बोतल यहाँ पड़ी हुई है, सिगरेट पड़ी हुई है, कोल्ड ड्रिंक्स पड़ी हुई हैं और एक शराब की बोतल यहाँ डिस्पोजेबल ग्लास के साथ, ये शराब की बोतल पड़ी हुई है। ये देखिए, यहाँ डिस्पोजेबल ग्लास आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक डिस्पोजेबल ग्लास यहाँ पड़ा हुआ है। ये सब इस बात की चुगली कर रहे हैं कि यहाँ खुला आते में तब्दील हो चुका है पॉलिटेक्निक कॉलेज। और ये पीले रंग का जो आपको पता हुआ दिख रहा होगा वृक्ष के नीचे सामने, यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड रहता है। किस तरीके की सुरक्षा यहाँ कराई जा रही है महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा, ये शोध का विषय ही मानी जा सकती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ये एक यहाँ छात्रावास हुआ करता था जो जर्जर हालत में पहुँच चुका है, जिसके बाद इस छात्रावास को बंद कर दिया गया। और छात्रावास के सामने देखिए, एक शराब की बोतल और हम आपको दिखा रहे हैं। जिला कलेक्टर क्षितिज सिंगल, जिला पुलिस अधीक्षक
राकेश सिंह अगर स्वयं सुबह आकर यहाँ देखें तो बहुत सारे टीन टप्पर, रद्दी बीनने वाले सिगरेट के पाउच, डिस्पोजेबल ग्लास, सब कुछ यहाँ दिखाई देगा। उन्हें टीन टप्पर बीनते यहाँ नज़र आते हैं। ये देखिए, ये भी हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज का। पॉलिटेक्निक कॉलेज खुले आहते में तब्दील हो चुका है। बार बार संज्ञान में लाने के बाद भी न जिला प्रशासन, न पुलिस प्रशासन, न विधायक, न सांसद, कोई भी इस ओर ध्यान देने को तैयार। एक शराब की बोतल ये और आपको दिखाई दे रही होगी, कुछ कुछ दूरी पे शराब की बोतलें यहाँ पड़ी हुई हैं, जो इस बात को की ओर इंगित कर रही हैं कि यहाँ मैजदे कुछ कुछ दूरी पर बैठकर सुरापान करते होंगे। ये देखिए, यहाँ पर ये शराब की एक बोतल फूटी हुई आपको दिखाई दे रही होगी। शराब की बोतल लड़ाई झगड़े में फूटती हैं और उसके बाद ये कांच गड़ते हैं। यहाँ ये देखिए, एक शराब की बोतल। और सुबह जो खेलने आते हैं उन्हें सबसे पहले पूरे मैदान की सफाई करने पर मजबूर होना पड़ता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। एक बार फिर हम आपको इसी पॉलिटेक्निक कॉलेज में, ये देखिए एक बियर का यहाँ कैन दिखाई दे रहा होगा। ये एक कैन पड़ा हुआ है और इस कैन के साथ एक कैन यहाँ और पड़ा हुआ है बियर का। और ये चखना जिसे कहते हैं और जिसमें बियर रखी जाती है वो पॉलिथीन। और ये तीसरा बियर का कैन भी हमने आपको यहाँ पर दिखा दिया। और कितने प्रमाण दिए जाएं विधायक जी, सांसद जी, जिला प्रशासन के अधिकारियों को, और कितने प्रमाण दिए जाएं ताकि वे, ये देखिए यहाँ पर भी एक शराब की बोतल दिखाई दे रही, ताकि वे पॉलिटेक्निक कॉलेज को तो कम से कम सुरक्षित रख सकें। यहाँ एक दिखा रहे हैं, देखिए ये गर्ल्स हॉस्टल की बाउंड्री वाल आपको दिखाई दे रही होगी। गर्ल्स हॉस्टल की बाउंड्री वाल के ठीक सामने ये कचरा आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रतिबंधित पॉलीथीन यहाँ पर बहुतायत में दिखाई दे रही होगी। इसके ठीक सामने प्राचार्य का निवास है। प्राचार्य के निवास के सामने भी इस तरीके की अगर हरकतें हो रही हैं। सुबह सवेरे यहाँ पर ये देखिए आवारा श्वान आपको जाता हुआ दिखाई दिया होगा और यहाँ भैंस गाय भी आपको चलती हुई दिखाई दे रही होंगी। सुबह सवेरे यहाँ संघ की शाखा लगती है, महिलाएं भी यहाँ पर शाखा लगाती हैं। इस सब के बाद भी किसी का ध्यान इस ओर नहीं जाना अपने आप में एक आश्चर्य की बात है। पुलिस रात को पता नहीं कहाँ गश्त करती नज़र आती है। अगर 6-7 बजे के बाद 4-5 राउंड यहाँ लगा दिए जाएं या ना भी लगाए जाएं तो पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य से इतनी बात पूछ ली जाए। देखिए बच्चे यहाँ पर स्कूटर सीखते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे, हमने आपको चार पहिया वाहन सीखते हुए भी दिखाया। प्राचार्य से इतनी बात पर पूछ ली जाए कि वो सुरक्षा कर्मी उनके घर की सुरक्षा के लिए उन्होंने तैनात कर रखे हैं या फिर पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर के लिए। ये एक नज़ारा और देखिए आप, यहाँ पर आवारा सुअर, आधा दर्जन से ज़्यादा आवारा सुअर दिखाई दे रहे होंगे। नौनिहाल यहाँ क्रिकेट खेलते हुए, क्रिकेट का अभ्यास करते हुए दिख रहे होंगे और उसके साथ ही यहाँ पर आवारा सुअर स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहे हैं। ये पॉलिटेक्निक कॉलेज का नज़ारा है प्राचार्य के निवास के ठीक सामने। पता नहीं प्राचार्य लोगों का तो ये भी कहना है कि प्राचार्य के द्वारा कहीं ना कहीं जिम्मेदारों को उपकृत करके रखा हुआ है, जिसके चलते जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी की ओर से मुंह मोड़े ही नज़र आते हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज की दुर्दशा लोग ये भी कहते नज़र आते हैं कि जिस तरह से अस्पताल के सामने वाले शासकीय भवन बेच दिए गए हैं, LIC के सामने वाले शासकीय भवन को विक्रय कर दिया गया है, उसी तरह बस स्टैंड के कुछ शासकीय भवन विक्रय कर दिए गए, उसी तरह पॉलिटेक्निक कॉलेज को भी अनुपयोगी बताकर इसे भी विक्रय ना कर दिया जाए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको ये खबरें पसंद आ रही हूँ तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।